बहुत होशियार रहना होगा। कंपनी के मैटर्स को सारिम हैंडल कर लेगा, तुम दोनों घर के मामलात पे नजर रखो। मैं एहसान साहब से बात करती हूँ कि अपनी कंपनी की पावर ऑफ अटॉर्नी सारिम को दे दें। भाई आखिर ये उनका इकलौता दामाद है। दामाद है लेकिन अकलौता नहीं। शायद आप भूल रही हैं कि एहसान का एक और दामाद जिनसे उनकी बेटी ने आके बगावत में कोर्ट मैरिज कर ली थी। जिंदा रहने के नहीं फिर वही सब कुछ करो जो ये कहता है। इतनी आसानी से मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अगर सारा मुझसे अलग होना चाहती है, अगर मेरे और उसके दरमियान स्टेटस का फर्क अब भी माने रखता है, तो फिर मैं उसे छोड़ दूंगा। ये रिश्ता सारी जिंदगी एक तरफा नहीं चलाया जा सकता। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती तो ये उसका हक है। लेकिन मैं रूमी को भी अब सारा के साथ मजीद खेलने की इजाजत नहीं दूंगा। उन्होंने झूठी रिपोर्ट तो दिखा दी है, मगर एहसान साहब इतने बेवकूफ नहीं है कि घर तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दें। जब तक बच्चा सामने नहीं आएगा, ना तो वो तुम्हारी बात मानेंगे और ना अपनी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करेंगे। अपने बयान को आगे तक लेके जाना और उसे साबित करना कैसे मुमकिन होगा तुम लोगों के लिए? एहसान की कंडीशन को देखते हुए क्या वसीयत पर बच्चे का कुछ नाम नहीं लिखवा सकते? मेरा नहीं ख्याल, उनका वकील ठोस सबूत चाहेगा और तुम लोगों की रिपोर्ट से ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन कोई तो रास्ता होगा, क्या उसे किसी भी तरह कायल नहीं किया जा सकता? जाफर शमसी का नाम शायद तुम लोगों ने सुना नहीं है, बहुत जाना माना वकील है वो, और एहसान साहब का बहुत अच्छा दोस्त है। उसे बेवकूफ बनाना नामुमकिन है। मतलब कि एहसान के ठीक होने से पहले पहले हमें ये किस्सा किसी भी तरह खत्म करना होगा। और अगर खिलाफी तवक्को वो ठीक हो गए तो ये किस्सा जेल जाके खत्म होगा। अब वो ठीक नहीं हो सकता कभी भी। जितना समेट लिया बहुत समझो, कहीं ज्यादा का लालच तुम दोनों को लेना डूबे। अगर तुम किसी तरह वसीयत नामा तैयार करवा लो तो उस पर एहसान से साइन करवाना मेरा काम है। साइन कैसे करवाओगी? एहसान साहब का सीधा हाथ तो काम ही नहीं करता है, और लेफ्ट हैंड बहुत मामूली सी मूवमेंट है उसके अंदर। और एहसान साहब का डॉक्टर ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है, और वसीयत नामे को बहुत आराम से चैलेंज किया जा सकता है।
अगर मैं सीधे हाथ का अंगूठा लगवा लूं फिर? इसकी भी कोई अहमियत नहीं होगी। वसीयत नामे पे साइन और अंगूठा दोनों चाहिए होते हैं। तुम अपने साथ साथ सबको फंसवाओगी। इतना बड़ा झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत क्या थी? हर काम में तो तुम लोगों ने मुझे अपने साथ रखा, इस काम में भी मशवरा ले लेते। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं सेकंड हाफ में जा सकता हूँ। नहीं जहीन, आज मुश्किल है, मेरी अभी लाहौर की फ्लाइट है और मेरी गैर मौजूदगी में तुमने फैक्ट्री को लुक आफ्टर करना है एंड मेक श्योर कि जितने फैसलाबाद की डिलीवरीज हैं यू कंट्रोल इट एंड टेक केयर ऑफ इट। ठीक है सर। सर वो मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, बेसमेंट लेवल पे दो मशीन्स हैं जिनके अंदर टेक्निकल फॉल्ट है, अगर उन्हें दो दिन में बंद ना किया गया या उनकी मेंटेनेंस ना करवाई गई तो सर कोई हादसा पेश आ सकता है और हमारे यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं। अभी तो मेरा इससे बड़े मसले पर फोकस है। Let me come back, मैं वापस आ जाऊँ, फिर we'll handle it. सर एक्चुअली मशीन्स ओवरहीट हो रही हैं, कोई हादसा हो सकता है हमें। सर आप इजाजत दें तो मैं मशीन्स बंद कर दूँ। वो कैसी बात कर रहे हो, अगर मशीनें बंद करोगे तो डिलीवरी कैसे करेंगे फैसलाबाद की? देखो तुम परेशान मत हो, 35 साल से ये मशीनें फर्स्ट क्लास काम कर रही यार, अब तक तो कोई परेशानी नहीं और इंशाल्लाह होगी भी नहीं। कीप इट अप। कुछ कहना चाहते हैं बाबा? मैं कुछ कहूं बाबा? मैं वाकई आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूं। मैं अपने दिल की सारी बातें करना चाहती हूं आपसे, क्योंकि मैं जानती हूं कि जैसे आप मेरे दिल की बात समझ सकते हैं कोई भी नहीं समझ सकता, बेला भी नहीं। बाबा सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, बहुत तंग किया, बहुत गलतियां की और बहुत नुकसान भी उठाए, मगर जहीन से शादी करने के बाद मुझे पता चला है कि बगैर पैसे बगैर लालच के भी कोई इंसान आपसे प्यार कर सकता है, आपको इज्जत दे सकता है। मैंने तो शाजमा और रूमी को देखा और शाजमा से जान छुड़ाने के लिए मैं रूमी से कोर्ट मैरिज करने को भी तैयार थी, क्योंकि बाबा शाजमा ने आपको मेरे खिलाफ इतना भर दिया था कि आपको मेरी कोई सच्ची बात भी सच्ची नहीं लगती थी और उसकी हर गलत बात पर आप भरोसा कर रहे थे। रूमी और शाजमा दोनों लालची थे, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बाबा,
मैं वहाँ से किसी भी कीमत पर जान छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि मैं उसकी असलियत जानती थी और नादानी में मेरे ऐसा कदम उठा लिया। बाबा, इसमें ज़हीन का कोई कसूर नहीं था। मैंने उसे बहुत डराया, ब्लैकमेल किया, उसे मजबूर किया। वो बेकसूर है बाबा। आप मेरी बात का यकीन कर रहे हैं ना बाबा? मैं कब से इस वक्त का इंतजार कर रही थी कि मैं अपने दिल की एक एक बात आपको बताऊंगी। मुझ पर क्या क्या गुजरा है वो सब आपको बताऊंगी। सबके दरमियान सिर्फ एक ज़हीन था बाबा, सिर्फ एक ज़हीन। वो इस दुनिया में आपके बाद सबसे अच्छा इंसान है बाबा। उसने ना सिर्फ मेरी इज्जत का ख्याल रखा, बल्कि मेरी छोटी छोटी खुशियों और आराम की खातिर अपने घर वालों से भी झगड़ा। बताएं बाबा, ऐसे शख्स को छोड़ देना सही होगा? बेला मुझे उसके खिलाफ मशवरा दे रही, वो ज़हीन को उसके स्टेटस से जज कर रही। बाबा, क्या स्टेटस की फर्क की वजह से मैं ऐसे हीरे जैसे शख्स को छोड़ दूं? बाबा, मैंने अभी तक ज़हीन को भी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करने लगी हूँ, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। सबसे पहले आपको बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपकी इजाजत चाहती हूं बाबा। आप मुझे बताएं बाबा, क्या मुझे ज़हीन के पास जाना चाहिए? अगर आप मना करेंगे तो मैं रुक जाऊंगी बाबा, क्योंकि मैंने आपकी भी बहुत इंसल्ट करवाई, बहुत हर्ट किया है आपको। अगर आप सजा के तौर पर मुझे ज़हीन के पास जाने से रोकेंगे तो मैं बखुशी से कबूल कर लूंगी। मैं आपको दोबारा खोना नहीं चाहती बाबा। पापा,
मैं सहीन को बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूं, उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूं। थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। अभी जाकर जहीन को बताती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारने को तैयार हूं। सारा, हाँ, तुम इतनी एक्साइटेड हो, कहाँ जा रही हो? जहीन के पास। क्या? मैंने बाबा को सब कुछ बता दिया है और बाबा ने मुझे इजाज़त दे दी है कि अगर मैं जहीन के साथ रहना चाहूँ तो खुशी खुशी रह सकती हूँ। क्या बाबा ने तुम्हें इजाज़त दे दी है? और वो बहुत खुश थे मेरे फैसले से। वो मुस्कुराए, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। वो मान गए बेला, उन्हें कोई एतराज नहीं है। तुम बाबा को इस हालत में छोड़कर जहीन के पास जाओगी? बेला, मैं रोज आया करूंगी। मैं बाबा की देखभाल में कोई कमी नहीं होने दूंगी, बट इस टाइम मेरा जहीन के पास जाना बहुत जरूरी है। अगर मैं नहीं गई तो वो मुझसे बदगुमान हो जाएगा। मैं उसे किसी भी कीमत पे खो नहीं सकती बेला। लेकिन सारा, बेला आज नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज जहीन के लिए कोई नेगेटिविटी नहीं। एक ही हो गया सर, ये कलर पैलेट कर लें। और एक ये देखिए, और ये देखिए। हेलो, इतनी देर से कॉल कर रही, रिसीव क्यों नहीं कर रहे थे? बिजी थे क्या? सारा, मैं बिजी हूँ इस वक्त, लेकिन मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सारा, इस वक्त बहुत मुश्किल है बात करना, ये वाला आप करें, मैं फिर ये देख के ना आपको बताता हूँ। लेकिन सही सारा, तुम जानती हो इस वक्त मेरा पीक टाइम होता है काम का। मैं नहीं जानती, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। सारा, क्या हम बाद में बात नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और बहुत जरूरी बात करनी है। मैं जानता हूँ तुमने मुझसे क्या जरूरी बात करनी है। डिवोर्स चाहिए ना? डोंट वरी, बहुत जल्द दे दूंगा, आजाद कर दूंगा तुम। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, तुम रूमी के पास वापस नहीं जाओगे। अगर मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वो किसी भी तरह तुम्हारे काबिल नहीं है। सही, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं जानता हूँ सारा, रूमी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया था। जहीन, तुम पहले मेरी बात तो सुनो। सर, बेसमेंट में आग लगी है सर। फायर ब्रिगेड कॉल करो जल्दी से। क्या हुआ जहीन, सब ठीक है? जहीन, हेलो जहीन, What?
मुल्क भर में आटे की कीमतें आसमानों पर, दो वक्त की रोटी का हसूल शहरियों के लिए इम्तिहान। आटा सस्ता है न सब्जी फल और दालें, आफत के बाद सब कुछ महंगा करके भीख मांगने पर मजबूर करती है। अब्बा बच्चों को रोटी, ड्रामा तो लगाया ना, हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। तेरा न्यूज़ तो सुन लेने दे उसके बाद। जी अब्बा। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशजदगी हुई है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। अब्बा कराची अम्मा ये तो वही फैक्ट्री है ज़हीन वाली। या अल्लाह मेरा बच्चा। आतिशजदगी की वजह भी अभी मालूम नहीं हो सकी। साबिर साहब आप फोन तो करें ज़हीन को, फोन तो मिलाए। मेरा फोन उठा के लावा से। मैं भी लाई। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशजदगी हुई है। या अल्लाह मेरा बच्चा, पता नहीं किस हाल में होगा वो। अनवर को भेजे फैक्ट्री, अनवर को भेजे वहाँ। ऐसा कैसे हो सकता है बेला? अगर अगर ज़हीन को कुछ हो गया तो मैं कितनी बदनसीब हूँ। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सारी मुज़हीन की फैक्ट्री में आग लग गई है और बहुत जानी नुकसान हुआ है। सारा बहुत परेशान है। सारे भाई ज़हीन का फोन भी ऑफ जा रहा है, आप प्लीज जल्दी आ जाए, हमें हमें जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। अच्छा ओके मैं आ रहा हूँ, घबराओ। सब ठीक हो जाएगा, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी थोड़ी सी तेज चलाएं प्लीज। और बस ज़हीन के बॉस का नंबर है या किसी कुलीग का नंबर है तो उसे कॉल की खैरियत मालूम हो। किसी का भी नंबर नहीं है, कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। अच्छा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं ज़हीन की फैक्ट्री जाकर मालूमा। फिक्र नहीं करो। अहम और अफसोसनाक खबर आपको दें, कराची के मशहूर इलाके में मौजूद गिलानी लेदर फैक्ट्री में खतरनाक आतिशजदगी हुई है। लगता है मेरे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट खुद ब खुद दूर। यस बच्चा ज़हीन, आए मैं कहाँ ढूंढूँ उसे, पता नहीं क्या हो गया। साबर साहब मसला रखे, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। मैं क्या करूँ, अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। साबर चाचा ज़हीन का कुछ पता चला? चाचा अनवर फैक्ट्री गया हुआ, वो मेरा फोन नहीं उठा रहा। मेरे तो दिल में कुछ नहीं हो सकता। आंटी कुछ नहीं होगा हमारे ज़हीन को, कुछ नहीं होगा। मालूमात के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशजदगी के वाकई में 100 से ज्यादा अमवात की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। जख्मियों के एक बड़ी तादाद को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जाबहक अफराद की हतमी तादाद अभी बताई नहीं जा सकती। आतिशजदगी की वजह भी अभी मालूम नहीं है।
बेटा होश कर, सारा शबाना जल्दी पानी लेकर आ। ताज़ातरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर गारमेंट्स फैक्ट्री में दोपहर 2 बजे होने वाली खतरनाक आतिशबाजी पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री के सुपरवाइजर जहीन अहमद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर 70 से 80 वर्कर्स की जान बचाई है। जहीन अहमद वर्ल्ड साबिर हुसैन ने बहादुरी की आला मिसाल कायम करते हुए अपने 80 साथी वर्कर्स की जान बचाई है। ताज़ातरीन इत्तलात के मुताबिक मशहूर गारमेंट्स फैक्ट्री में दोपहर बेटी होश में आओ, जहीन को कुछ नहीं हुआ। देखो न्यूज में बता रहे हैं बहुत सारे लोग महसूस भी हैं। दुआ करो जहीन भी उन्हीं में से हो। मैं अस्पताल जा रहा हूँ। साबिर चाचा मैं भी आपके साथ चलूं प्लीज। नहीं नहीं बेटा, तुम अपनी आंटी के पास रहो, मैं जाता हूँ ना अस्पताल। अपनी आंटी को संभाल ले बेटा, अगर तुम भी हिम्मत नहीं करोगे तो तुम्हारी आंटी का क्या होगा। मैं जाता हूँ। ज़हीन, ज़हीन, ज़हीन मेरा बच्चा। अरे ज़हीन का पता लगाओ। सर आपके सूप का टाइम हो गया है, उसके बाद आपको मेडिसिन भी देनी है। सर क्या आप मुझसे खौफजदा हैं? मैं जानता हूं कि आप मुझसे क्यों खौफजदा हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे शाज़मा मैडम ने हायर किया है और वो ये चाहती हैं कि आप कभी भी ठीक ना हो। मुझ पर ट्रस्ट करें सर, मैं 15 दिन से आपके खाने में कुछ भी नहीं मिला रहा और ना ही शाज़मा मैडम की दी हुई मेडिसिन आपको दे रहा हूँ। ऐसा सिर्फ मैंने 2 दिन किया था, उसके बाद ये देखें सर, ये 15 दिन से मेडिसिन यूं ही नाराज में पड़ी है, लेकिन मैंने आपको नहीं दी। मैं मजबूर हूं सर, मुझे अपनी फैमिली के साथ अब्रॉड शिफ्ट होना था, इसके लिए मुझे 12 से 15 लाख की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने मैडम शाज़मा की ये ऑफर कबूल कर ली। लेकिन फिर जब मैंने आपको देखा और आपकी बेटियों को, तो मुझे अंदाजा हुआ कि चंद पैसों की खातिर मैं आपकी जिंदगी और अपनी आखिरत दोनों बर्बाद कर रहा हूं। जिस तरह मैं अपनी बेटियों के लिए जरूरी हूं, उस तरह आप भी। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये ड्रामा जिस तरीके से चल रहा है आप उसी तरीके से चलने दें। इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप ठीक हो भी गए तो
बस आपने शाजमा मैडम के सामने यही प्रिटेंड करना है कि मेरी दी गई मेडिसिन से आपको बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, बल्कि आप पहले से ज़्यादा लागे हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं। मैं शर्मिंदा हूँ सर कि मुझ जैसा हट्टा कट्टा इंसान आप जैसे मरीज से मदद मांग रहे हैं। क्या करूँ सर, मैं मजबूर हूँ। जब शाजमा मैडम को ये यकीन हो जाएगा कि मैंने उनका काम मुकम्मल कर लिया है तो वो मुझे मेरी पेमेंट दे देंगी और मैं पेमेंट लेके यहाँ से चला जाऊँगा। उसके बाद आप जैसा मुनासिब समझें। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं शाजमा मैडम को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन इस धोखेबाजी में मैं आपकी ज़िंदगी भी तो महफूज कर रहा हूँ ना सर, तो ये गलत तो ना हो। अब्बा, हमने सारा हॉस्पिटल चेक किया लेकिन जहीन का कहीं पता नहीं चला। ऐसा करते हैं कि हम रिसेप्शन से पता करते हैं। हाँ। मुझे फैक्ट्री हादसे के जख्मियों के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए जिन्हें बचा लिया गया, और जहीन अहमद के बारे में पूछा मुझे कि वो यहाँ लाए गए कि नहीं लाए गए। सर आप नोटिस बोर्ड पे चेक कर लें, वहाँ पे जिंदा आदमियों की है लिस्ट। थैंक यू। बाहर बैठी रहो। टीवी बंद कर दे शबाना, ऐसा ना हो उसमें मेरे जहीन को दिखा दे। अल्लाह ना करे अम्मा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा अम्मा। जहीन मेरा बच्चा। अम्मा, अम्मा तो जहीन की खबर सुनते ही अपनी जगह से हिली नहीं, भाई उनको डॉक्टर के पास लेके गए। अच्छा तो वो मत चला गया। मैंने सारी लिस्टें चेक की हैं लेकिन जहीन का कहीं कोई नाम नहीं है। हौसला करें, आप अल्लाह से दुआ करें प्लीज। जहीन का नाम नहीं है। आप बैठे प्लीज। साथ ले जाएंगे हमेशा के लिए अपना बना। चलोगी ना मेरे साथ? हाँ
मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ, सिर्फ तुम्हारे साथ। बहुत खुश हूं मैं। उस छोटे से घर में खुश रह लोगी मेरे साथ? तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी खुश रह सकती हूँ। बैठ जाइए प्लीज। अटेंशन प्लीज, जहीन अहमद बल साबर हुसैन अहमद का कोई रिलेटिव मौजूद है तो प्लीज वार्ड नंबर 16 में आए। आइए मेरे साथ। अल्लाह से दुआ करें सब अच्छा हो। बनशा ध्यान से अब्बा, ध्यान से। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अभी जहीन अहमद के नाम से जो अनाउंसमेंट हुई थी। जी जी, आप उनके फैमिली मेंबर्स हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं उनका बड़ा भाई। ये हमारे वालिद हैं। जहीन की तबीयत कैसी है? वो कैसा है वो? पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। अब्बा हमारे, जहीन जिंदा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है ना वो? जी जी, वो पहले से बेहतर हैं। चोटें काफी आई हैं लेकिन वो बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे। शुक्र है मेरे मालिक, हमारा जहीन जिंदा है। शुक्र है मेरे मालिक, तुमने जहीन को नई जिंदगी दी है मेरे मालिक। जहीन साहब, जहीन साहब आपके बेटे? मेरा मेरा बेटा है। नीचे बेसमेंट में 70-80 मजदूर काम कर रहे थे, जहीन साहब ने उन सबको बचा लिया। वाकई बहुत बड़ा कारनामा है। आपके बेटे ने तो बड़ी बहादुरी का काम किया है। अगर बरवक सुई चौक ना होता तो जानी नुकसान 3 गुना ज्यादा हो जाता। वाकई बहुत मुश्किल काम था क्योंकि चारों तरफ नीचे आग लगी हुई थी और जहीन साहब ने तो अपनी जान पर खेलकर यह मुश्किल काम किया है। जहीन साहब वाकई फरिश्ता है। चलिए आइए। मुझे अपने ज़हीन पे फख्र है मेरे बच्चे। ज़हीन अहमद, आप ठीक हैं? तुम ठीक हो ना जही? तेरे बच्चे आप लोग फिलहाल बाहर चले। तुम ठीक हो ना? अखियां